भाई साहब अभी अपन निकल चुके हैं कुएं के अंदर से। कुएं के अंदर से निकले हैं तो इस पहाड़ पर पहुंचे। छोटा सा पहाड़ है, आप देख सकते हैं भाई खेत का लुक औसम है यार। बाकी किसानों की यार बहुत ही मेहनत लगती है, मैंने देखा है मामा को करते हुए। यार पैर बहुत फिसल रहे हैं यहाँ पे, शूज़ बहुत चिकना है। तो अभी शुभम भाई अपन को घुमाने के लिए चल रहे, चलो घूमते हैं, इंजॉय करते हैं खेत का लुक, ठीक है। तो डूड ये है हरी प्याज, आप देख सकते हैं सब्जी में बनाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपका ब्लॉग अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दो ना यार। मैंने देखा बहुत जने वीडियो देखते लेकिन लाइक कोई नहीं करता है यार। लाइक करने का क्या जाता है ना, लाइक करने के लिए आपको पैसे लगते हैं ना, सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं ना, कमेंट करने के पैसे लगते हैं। यार कर दो ना यार, सपोर्ट करो यार भाई को। डूड आप देख सकते हैं खेत का लुक जो कि बहुत ही भाई। तो भाई साहब हमें फाइनली दिख चुकी है बेरी, बेरी के बेर आप देख सकते हैं कितने नीचे पड़े हैं। ये बेर बेरी दिखाता हूँ आपको, खाने की एक और चीज दिखी है जो कि हम बचपन में खाते थे, ये इसे क्या बोलते हैं इसे शुभम, मैं बिहाड़े 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 इसे फोड़ के खाया जाता है, ठीक है। तो अभी शुभम भाई अपन को देखते हैं वो फोड़ते हैं और आपको उसका जहाँ हम इसके दरख्त के नीचे खड़े तो आपको दरख्त भी दिखाएंगे एक बार। और ये धुपकालों के टाइम आते हैं तो इसे हम शुभम भाई को फोड़ने लगाते हैं, कदम फोड़ते हैं और इसके अंदर चिरौंजी खाएंगे, ठीक है आपको दिखाते हैं। सो हाँ शुभम भाई ये लो फोड़ो इसको, ये लो ये वाली, लो ये वाली, ये वाली। जो बहुत सूखी भी निकली है तो अभी एक वो एक और फोड़ रहे हैं। खाने में यार गजब की टेस्टी लगती है। हम आ चुके हैं शुभम के घर के पास, आप देख सकते हैं वो वाला शुभम का घर है और उसके घर के पास यहाँ पे बांसों का झाड़ है, बांसे हाँ देख सकते हैं यहाँ के बांस है, दिख रहे हैं आपको बहुत ही डेंजर और खतरा मल्ले का लुक। तो और ये हमारे नाना के यहाँ के जो भैंसा है लाइक नाना के यहाँ के जो कि आंकुला रहते हैं इधर चित्तौड़ में उनका मल्ला है। और ये इधर भैंसा के लिए पानी पीने का है, ये वाला यहाँ भैंसा के पानी पीते हैं और इस प्रकार का बना हुआ है ये। और आप देख सकते हैं हमारे मामा कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सुल्तान के लिए ना, सुधा भाई के साथ सुधा अंकल के साथ लिए है। और ये देख सकते हैं इधर भी थोड़े बहुत चाय पिलाओ ना, चाय मैं इसका भी दूध दूंगे तो उसकी तो स्पेशल चाय पिए मक्का, तो उसका भी मक्का मेरे ख्याल से लगा नहीं है। जो है ये वाली जो झोपड़ी है, खोपड़ी झोपड़ी क्या बोलते हैं इसे, तो इसमें रहना ही ना है स्पेशल, इसमें ज़्यादातर इसमें खाना वाना चाय पानी जो भी है सब इसमें होता है आप देख सकते हैं। और इधर तो चूल्हा है और इधर कप वप रखे हुए सामान किचन टाइप में थोड़ा बहुत, ठीक है देख रहा हूँ आप आपको कैसी लगी अभी कमेंट में बताना। तो फाइनली गाइस हम बहुत पकड़ चुके हैं यार, घूम चुके थक गए अभी हम, तो अभी हम थोड़ा झाड़ के नीचे लेटे आप देख सकते हैं, पहले दिखाया मैंने आपको, ठीक है अभी हम लेटे यार। मैं चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को लाइक कर दें। सूरज का बहुत भारी व्यू आ रहा है आपका, आ रहा है नहीं आप लोगों को नहीं आ रहा है, आप आ रहा है भाई। तो चलो अभी मामा दूध धो रहे हैं भैंस का और चाय बननी है हमारे को टी, तो जल्दी से टी भी पीते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं।
एक डेढ़ घंटे से निकल जाए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मामा ने भी दूध धो लिया, अभी तो दूध जस्ट अभी डाला है, तो अभी जो भैंस का दूध निकाल रहे थे हमने उसकी वीडियो ली, तो अभी थोड़ी देर से वीडियो ले लेंगे अभी इसकी के कौन सी का भी दूध निकालेंगे अभी। ठीक है, तो भी देखते हैं अभी अपन। देख सकते हैं हमारे मामा का दूध दे रहे थे तो शर्म रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं बफेलो अभी। आप देख सकते हैं शाम का वक्त हो चुका है, नाइट जो भी हो रही है। आप देख सकते हैं सूरज पूरा गुरूब हो चुका है, चांद मामा आ चुके हैं। चांद मामा दिख रहे हैं, दिखे ये दिख गए। तो डूड हो चुकी है हम यहाँ पे नाइट, बहुत ही गजब का मजा आया। अब और वापस अपनी चार पही पर जा रहे हैं बेड पर पलंग पर, थोड़ा आराम और करते हैं क्योंकि अभी हम रील्स वीडियो बनाने चल गए थे। ठीक है, चलो चलते हैं। Thank you.